कक्षा में पढ़ती थी। आज मैं यार हिंदी दिन के बारे में कुछ बताना चाहती थी। आप सभी को हिंदी दिन की स्वागत है। मेरा देश के 14 सितंबर को हिंदी दिन मनाया जाता है। आओ सब सब मिलकर हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करें। आप सब हिंदी दिन की शुभकामनाएं। सबका धन्यवाद। आदरणीय लाली टीचर, मेरे अध्यापकों, सारे मेरे प्यारे साथियों, सबको नमस्कार। आज हिंदी का दिन है या हिंदी दिवस है। हर वर्ष 14 सितंबर को देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आजादी मिलने को 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाया है। इसके बाद हिंदी को बढ़ावा जाने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के कहने पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसी प्रकार 14 सितंबर 1953 को पहली बार देश में हिंदी दिवस मनाया गया। प्रिय साथियों, हमको हिंदी भाषा को आदर किया, धन्यवाद। मैं अन्ना सुसन देगा, आपकी भाषा ठीक है। आज हिंदी दिवस के बारे में आपसे कुछ चर्चा चाहता हूँ। हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया कि हिंदी ही केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। हिंदी पढ़ो और बढ़ो। इधर कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ। जय भारत, जय हिंदी। मैं लक्ष्मी राजू, 8वीं कक्षा ए से। वाणी का शुभ वरदान है, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना। वाणी का शुभ वरदान है, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वार्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण।